दोस्तों अगर आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको डिप्लोमा पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर में बीटी यूपी बोर्ड की तरफ से 2023-24 में सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग आए हुए लेटेस्ट अपडेट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर में टोटल आपको कितने सब्जेक्ट को पढ़ने होंगे, कौन कौन से नए सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको इस बार नहीं पढ़ने होंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, उस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें ताकि हम अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बेहतर से बेहतर नंबर को गेन कर सकें, और कौन कौन से सब्जेक्ट का कितने कितने नंबर का प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम होता है, इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप सिलेबस एंड सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड है तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर में टोटल आपको कितने सब्जेक्ट्स को पढ़ने होंगे। तो दोस्तों डिप्लोमा पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर में टोटल आपको 7 सब्जेक्ट्स को पढ़ने होंगे, जिसमें नंबर 1 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कम्युनिकेशन स्किल, सेकंड नंबर 2 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, नंबर 3 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हाइड्रोलिक्स एंड पेनोमेटिक्स, नंबर 4 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 5 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एनवायरमेंटल स्टडीज, नंबर 6 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एनर्जी कंजर्वेशन, नंबर 7 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। तो टोटल ये 7 सब्जेक्ट्स को पढ़ने होंगे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को। आइए दोस्तों अब हम इन सारे सब्जेक्ट को डिटेल्स में देखते हैं कि इन सब सब्जेक्ट में कौन कौन सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, किसका प्रैक्टिकल वाइवा होता है, किसका नहीं होता है, इन सारे चीजों के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में हम जानेंगे जो हमारा है कम्युनिकेशन स्किल, सेकंड। दोस्तों जैसे कि आपने कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट को पढ़ा था, सेम उसी तरीके से इसमें भी आपको कम्युनिकेशन स्किल सेकंड को पढ़ना होगा। इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटर्न एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें 50 नंबर का इसमें आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है और 50 नंबर का इसमें आपका रिटर्न एग्जाम कराया जाता है, यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों आपको इसकी बुक सार्थक या एशियन पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नंबर 2 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसे शॉर्टकट में RAC के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटर्न एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें 50 नंबर का इसमें आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है और 50 नंबर का इसमें आपका रिटर्न एग्जाम कराया जाता है, यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराया जाता है। और दोस्तों ये सब्जेक्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी। और दोस्तों आपको इसकी बुक सार्थक या एशियन पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नंबर 3 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हाइड्रोलिक्स एंड पेन्यूमेटिक्स, ये सब्जेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी। दोस्तों इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटर्न एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें 50 नंबर का इसमें आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है और 50 नंबर का इसमें आपका रिटर्न एग्जाम कराया जाता है, यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराया जाता है। इसके बाद नंबर 4 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इसे शॉर्टकट में कैड या ऑटोकैड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटर्न एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें 50 नंबर का इसमें आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है और 50 नंबर का इसमें आपका रिटर्न एग्जाम कराया जाता है, यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराया जाता है। और दोस्तों आपका ये सब्जेक्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से। और दोस्तों आपको इसकी बुक सार्थक या एशियन पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नंबर 5 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एनवायरमेंटल स्टडीज, इसे शॉर्टकट में EVS के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना होता है, इसमें आपको पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक को कवर किया जाता है और दोस्तों इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटर्न एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें 50 नंबर का इसमें आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है और 50 नंबर का इसमें आपका रिटर्न एग्जाम कराया जाता है, यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराया जाता है। और दोस्तों आपको इसकी बुक सार्थक या एशियन पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नंबर 6 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एनर्जी कंजर्वेशन। दोस्तों ये सब्जेक्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी। और दोस्तों इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटर्न एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें 50 नंबर का इसमें आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है और 50 नंबर का इसमें आपका रिटर्न एग्जाम कराए जाते हैं, यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराया जाता है। और दोस्तों आपको इसकी बुक भी सार्थक या एशियन पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नंबर 7 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, इसे शॉर्टकट में UHV
एमबीबी के नाम से भी जानते हैं। ये सब्जेक्ट आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस पे आधारित है, इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं कराया जाता है। और दोस्तों ये सब्जेक्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी। और दोस्तों आपको इसकी बुक भी सार्थक या एशियन पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपने स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट सब्जेक्ट डिप्लोमा पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को पढ़ना होगा वो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। दोस्तों ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको प्रैक्टिकल करना होता है, ट्रेनिंग करना होता है इंडस्ट्री में जाकर। इसमें आपको इंडस्ट्री में जाकर ट्रेनिंग करना होता है, जो ट्रेनिंग आपका 4 वीक का होता है यानी पूरे 1 महीने का होता है और उसका आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है और उसी के बेस पे आपको उसमें नंबर दिया जाता है। और दोस्तों आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट अगर आप प्राप्त कर लेंगे तो आपको इन फ्यूचर में जॉब करेंगे तो वहाँ पे आपको ये काम आएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी। तो दोस्तों ये टोटल आपको 7 सब्जेक्ट्स को पढ़ने होंगे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट को। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 4 सेमेस्टर से रिलेटेड सिलेबस के बारे में वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।